रिश्वतखोरी में फंसे लेखपाल भीमसेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच हो रही है। बता दें कि आरोपी लेखपाल करोड़पति है, 3 कॉलेज, पेट्रोल पंप और आलीशान बंगला है। बता दें कि लेखपाल भीमसेन की स्विफ्ट कार से रिश्वत के 10 लाख रुपए बरामद हुए। आरोप है कि खतौनी में नाम भड़वाने के लिए लेखपाल ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद लेखपाल की शिकायत पीड़ित ने अधिकारियों से कर दी। अधिकारियों के पहुंचने से पहले लेखपाल अपनी कार छोड़कर भाग गया। अधिकारियों ने कार को पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरे की निगरानी में कार खोली गई तो कार से 10 लाख रुपए बरामद हुए। आलीशान बंगला, पेट्रोल पंप और 3 डिग्री कॉलेजों का मालिक, 20 साल से एक ही तहसील में तैनात पैरोकारी को जुटे कई बड़े लोग, 15 सालों तक लेखपाल संघ का अध्यक्ष रहा है आरोपी लेखपाल। अब रिश्वत के आरोप से घिरे लेखपाल के बारे में कई बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि लेखपाल चौधरी भीमसेन के पास करोड़ों की संपत्ति है। 5 करोड़ का आलीशान बंगला, 3 डिग्री कॉलेज, पेट्रोल पंप, शहरों में कई जगहों पर फ्लैट हैं। इन सभी की कीमत 100 करोड़ आंकी जा रही है। रसूख के चलते वह पिछले 20 साल से ज्यादा समय तक सदर तहसील में तैनात रहा। वह करीब 15 साल तक आगरा लेखपाल संघ का अध्यक्ष रहा है। वहीं आपको बता दें कि बमरौली कटारा निवासी उमेश राणा ने आरोप लगाया था कि लेखपाल चौधरी ने उसके एक परिचित से खतैनी में नाम भड़वाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। फॉरेंसिक टीम ने कैमरे के सामने कार खुलवाई तो 500-500 की गड्डियां मिली। 5 लाख रुपए कार के डैशबोर्ड और 5 लाख कार के पिछले हिस्से से मिले। एंटी करप्शन के अलावा इनकम टैक्स के अधिकारियों तक मामला पहुंच गया है। आरोपी भीमसेन का रुतबा किसी अधिकारी से कम नहीं है। सत्ता पक्ष के नेताओं से लेकर अधिकारियों तक से उसके संबंध हैं। मामले में फंसते ही कई रसूखदार पैरवी में जुट गए। आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।